होममेड पनीर बनाने के लिए हमने 2.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है, हमने भैंस का दूध लिया है। आप चाहें तो फुल क्रीम दूध थैली का भी यूज कर सकते हैं। और हमने 2 नींबू का रस लिया है, इस तरह के इतने बड़े बड़े मीडियम साइज के 2 नींबू, उनका रस निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब। तो अब हम दूध को सबसे पहले उबाल लेते हैं। गैस को ऑन कर दिया है और दूध को उबालने के लिए रख दिया है। इस तरह से दूध गर्म हो चुका है और दूध में उबाल भी आ गया है। एक उबाल और आने देंगे। इस तरह से दूध में उबाल आ गया है, गैस को अब हम बंद कर देंगे। थोड़ी सी इसकी भाप निकलने देते हैं, बिल्कुल 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको बाद में चलाएंगे। थोड़ा सा इसको फटने देंगे, फिर थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही फटने देंगे दूध को। जब इसको देखते हैं, हमारा दूध फटना शुरू हो गया है। अब दोबारा से थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसको फिर से चलाएंगे। जो बाकी नींबू का रस बचा है इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से फटने देंगे। आप चाहें तो दूध को विनेगर से या टाटली से भी फाड़ सकते हैं। पानी अलग और छेना या पनीर अलग हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर में ये पानी बिल्कुल क्लियर साफ दिखने लगेगा। इस तरह से दूध फटकर तैयार हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। एक चलनी लेंगे और उसके नीचे एक बर्तन रखेंगे इस तरह से, और इसको रखेंगे इसके ऊपर और कॉटन का या मलमल का कपड़ा डालेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इस पानी का यूज हम सब्जी के अंदर, आटा मलने के अंदर भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से इसको दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इसका पानी हमने निकाल कर रख लिया है एक बर्तन में। अब इसको हम दोबारा से सादा पानी डालकर धोएंगे, जिससे कि नींबू की खुशबू नहीं रहे इसमें और ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। इस तरह से पानी डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ से कर देंगे। अब इसको फिर दोबारा से हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब हमको पनीर में से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, बिल्कुल इस तरह। हम इसको 20 या 25 मिनट के लिए रख देंगे। कुछ भारी चीज रखकर इसके ऊपर या किसी नल के ऊपर लटका देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर चक्रा रख रहे हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हटा देंगे इस तरह से, इसमें से बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। एक कप के निकाल लेंगे, बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा पानी तैयार हो गया है। अब इसको हम चकले पर रखकर
काटेंगे इस तरह से। देखिए पनीर बिल्कुल बढ़िया बना है। इसके हम मनचाहे पीसों में काट सकते हैं इसको। इस तरह से हमारा एकदम सॉफ्ट और ताजा पनीर बनकर तैयार है। आप भी होममेड पनीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये मेरी पनीर की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।